वो लाचार थी, मना नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो दरिंदा नहीं माना, नहीं रुका। अपना वहशीपन उस लड़की के साथ तब तक करता रहा जब तक लड़की बेसुध नहीं हुई। ये आरोप है नार्वे की राजकुमारी के बेटे के ऊपर। ये फोटो देखिए, अपनी माँ और नॉर्वे की क्राउन राजकुमारी मेटे मैरिट के साथ उनका बेटा हाथ में हाथ डाले नजर आ रहा होगा। लेकिन शहजादे पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार कर ली है। आखिर क्या था पूरा मामला, इस वीडियो में बताते हैं। स्क्रीन पर अब इस तस्वीर को देखिए। नार्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन अपनी बीवी नार्वे की क्राउन राजकुमारी मेटे मैरिट के साथ नजर आ रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। ये है 27 साल के मारियस बोर्गहोइबी। मारियस नार्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन के स्टेपसन है और राजकुमारी मेटे मैरिट मारियस की माँ है। इन दिनों राजकुमारी अपने बेटे को लेकर काफी परेशान चल रही है। दरअसल उनके बेटे को पुलिस गिरफ्तार की है, और वो भी एक ऐसे मामले में जो अपने आप में बेहद संगीन है। बता दे कि मारियस पर आरोप है कि लड़की की बेहोशी में फायदा उठाया था। इतना ही नहीं, उसके अनकॉन्सियस अवस्था में होने पर उससे दरिंदगी की थी, उस लड़की के साथ सेक्सुअल अब्यूज भी किया था। पुलिस के मुताबिक विक्टिम अपने साथ हो रहे अपराध का विरोध करने में असमर्थ थी, जिसकी वजह से मारियस ने उसका फायदा उठाया और उसके साथ गलत काम किया था। होइबी को 4 अगस्त की रात को ओस्लो में एक महिला के अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया था। दरअसल मारियस उस महिला के साथ रिलेशनशिप में था और उसे वो फिजिकली टॉर्चर भी किया करता था। नॉर्वे की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महिला के बेडरूम के वॉल में धंसा एक चाकू पुलिस ने बरामद किया था। इसके बाद मारियस सितंबर में भी अरेस्ट हुआ था, क्योंकि उसने एक बार फिर से कानून को अपने हाथ में लिया था। पुलिस के मुताबिक मारियस को सोमवार यानी 18 नवंबर को उसके कार से ही गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की माने तो नार्वे की क्राउन राजकुमारी मेटे मैरिट के 27 साल के बेटे को बलात्कार के आरोप में पुलिस ने अरेस्ट किया था। पुलिस ने ये भी बताया कि अगस्त की घटना से संबंधित घरेलू हिंसा की वजह से भी उसे अरेस्ट किया गया था। फिलहाल पुलिस को ये तय करना है कि मारियस को हिरासत में रखा जाए या फिर नहीं। जाते जाते बता दे, अगस्त में गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद ही होइबी ने महिला पर हमला करने की बात स्वीकार कर ली थी, जिसे उसने बाद में बताया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। हालांकि उसके वकील ने इस दावे का खंडन किया था। होइबी ने अपने वकील के जरिए जारी किए गए एक बयान में दावा किया था कि होइबी कई मानसिक रोगों से पीड़ित है और लंबे समय से ड्रग्स के सेवन का आदी रहा है। होइबी का मानना है कि हाल फिलहाल में कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। होइबी ने बताया था कि एक बहस के बाद वो शराब और कोकीन के नशे में अपार्टमेंट में फिजिकल असॉल्ट के लिए पहुंचा था, जहां पर उसने कई चीजों को भी नष्ट किया था। होइबी ने इस बात की पुष्टि की थी कि वो कई मानसिक रोगों से ग्रसित है, जिसकी वजह से उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो लंबे समय से दारू और कई नशीली चीजों के सेवन की समस्या से लगातार जूझ रहा है, जिसके लिए पहले और आज भी उसका इलाज जारी है। होइबी की माने तो ड्रग्स का यूज और उस रात अपार्टमेंट में जो कुछ हुआ, उसके लिए वो खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। होइबी अपने किए के लिए जिम्मेदार होना चाहता है और पुलिस के सामने सब कुछ सच बताना चाहता है। उसका मानना है कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी गर्लफ्रेंड से माफी मांगना भी है। होइबी ने अपने परिवार से अपने कामों के लिए माफी मांगी, जिससे उन्हें लगा कि उनके परिवार बेहद प्रभावित हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।